नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे जून में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट के PSC का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम हो, क्लिनिकल लेवल का एग्ज़ाम हो, यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को पलट कर देख लीजिए, आपको एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। इसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो एक भी प्रश्न भारत के राष्ट्रपति से जो एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, एक भी आपसे नहीं छूटेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, बट भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की असीम शक्तियाँ हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे अनेक क्वेश्चंस MCQs बनते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। ये आप देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मैंने लिखा है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। मैं किस तरीके से टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको देख लीजिए। कुछ पर्चे की बात हो जाए, उसके बाद निर्वाचन कैसे करते हैं भारत के राष्ट्रपति, कौन कौन से लोग वोट देते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये तो पता है आप लोगों को भी कि हम आम जनता के द्वारा सीधे सीधे राष्ट्रपति चुने नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई और पद्धति होगी, कोई और प्रणाली होगी जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे हम जो राष्ट्रपति से संबंधित है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा शक्तियाँ देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को दी हुई भारत के संविधान में, और उसका उपयोग वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीजें देखेंगे हम। मिसलेनियस में क्या कि जो भी राष्ट्रपति अभी तक बने हैं 1947 से लेकर आज तक, उन राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सबको हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा, और ख़त्म वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बता दूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रेक जून, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। बस धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा संविधान कई पार्ट में बटा हुआ है। तो जब हम ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है ये भाग 5 में है, ठीक है। भाग 5 के आर्टिकल 52 में, भाग 5 के आर्टिकल 52 में जो है ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये सबसे पहला आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 53 में क्या है। आर्टिकल 53 में क्या है कि सारी कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं संघ की, सारी कार्यकारी शक्तियाँ जो, ये संघ यहाँ नहीं होना चाहिए था, सारी संघ की सारी कार्यकारी शक्तियाँ, आप लोग नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं, संघ की सारी कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 54, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि एग्जाम में इस आर्टिकल से संबंधित, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में, इससे संबंधित जो है आर्टिकल वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचक मंडल क्या है। तो निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं और किस तरीके उनका चयन होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो कौन कौन से लोग हैं उसका लिस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। राज्यसभा के लोग, एक मिनट,
सॉरी निर्वाचक मंडल में जो है राज्यसभा के लोग वोट देते हैं, लोकसभा के लोग वोट देते हैं, विधानसभा जो राज्यों के विधानसभा है वो वोटिंग करते हैं, और दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी वोट करते हैं। तो कौन वोट नहीं करते हैं ये जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, आपको भी पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, मतलब 12 लोगों खुद वो चयन करते हैं, और लोकसभा में 2 लोग होते हैं। तो इन दोनों लोगों को जो है वो वोटिंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के इलेक्शन में मतलब 14 लोगों को नहीं होता। तो कितने लोगों को होता है, हालांकि मैंने लिखा हुआ है फिर भी मैं चाहता हूँ आपको समझा दूँ। कुल जो राज्यसभा में लोग होते हैं वो 245 होते हैं मेंबर, उसमें से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वोट कौन करेगा, जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य कभी वोटिंग राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में करता है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 245 माइनस 12 करते हैं 233 लोग जो है राज्यसभा के वोटिंग करते हैं। जब लोकसभा की बात करते हैं तो टोटल कितने लोग हैं, 543 है, उसमें से 2 को आप माइनस कर दीजिए, सॉरी 545 है, ठीक है, उसमें से 2 लोगों को माइनस कर दीजिए तो 543 हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 543 को और 233 को, टोटल कितने हो गए 776। तो 776 सांसद जो हैं वोट करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में जितने भी राज्य हैं और उनके कुल विधायकों की संख्या को ऐड किया जाए तो 4120 विधायक हैं। तो कुल 4120 विधायक और 776 सांसद, इतने लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से राइज होता है, क्वेश्चन ये से भी राइज होगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए सिर्फ राज्यसभा सदस्य दे दिया ऑप्शन, आपने सोचा हाँ ये तो होता है, लेकिन वो गलत है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एक्चुअल ऑप्शन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एक्चुअल ऑप्शन है। आप कभी भी सिर्फ राज्यसभा लिखा हुआ है, लोकसभा लिखा हुआ है, वो सही ऑप्शन कभी भी नहीं है। तो निर्वाचित जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसके अलावा देखते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जानिए कि चूंकि ये वोटिंग जो होता है वो सीधे जनता सीधे रूप से चयन नहीं करती है, तो हमारे जो MLA और MP वही वोट करते हैं, तो किस तरह से उनका मत का मूल्य निकाला जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, यूपी में कुल कितनी जनसंख्या है, यूपी में कुल 2,000,000 जनसंख्या है, ठीक है, 2,000,000 लोग रहते हैं, और वहाँ पे मान लीजिए 400 विधायक जो है अभी वर्तमान में है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 400 विधायक वहाँ पे हैं, तो इसे डिवाइड करना है। फॉर्मूला क्या है, MLA का मत मूल्य इक्वल टू राज्य की जनसंख्या बटे MLA की संख्या गुना 1/1000। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप MLA का मत मूल्य निकलता है, हर एक स्टेट के MLA का अलग अलग मत मूल्य होता है, और सारे MLA का जब मत के मूल्यों का ऐड किया जाता है और उसे सांसदों की संख्या 776 है इसको जब भाग दिया जाता है तो फाइनली सांसद का मत मूल्य निकलता है, और इसी तरीके से ये सारे लोग वोट देते हैं और फाइनली मत मूल्य के हिसाब से जिस भी कैंडिडेट का फाइनली जो जीतता है और वो हमारा देश का राष्ट्रपति बनता है। तो ये तरीका है इसको निर्वाचक मंडल प्लस उसका मत मूल्य निकालने का तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने अलग से इसको लिखी और आपको समझा दिया है, ठीक है। ये आर्टिकल 54 था, इसके बाद अब है आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन की रीति ऑब्वियस बात है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पर वोट नहीं देते हैं, सीधे तौर पर वोट हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग विधायक को चुनते हैं, जब हम लोग सांसद को चुनते हैं, जब हम लोग मुखिया को चुनते हैं, तब हम लोग सीधे तौर पर वोटिंग करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में हम लोग वोट नहीं करते हैं, हमारे बदले एक वोट करता है हमारा MLA, ये हमारे बदले एक वोट करता है हमारा सांसद। तो जो पद्धति है वो पद्धति का नाम आप लोग ध्यान रखिए,
पद्धति का दो नाम है, एक तो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या इसको एकल समक्रमणीय प्रणाली भी कहा जाता है। एकल मतलब एक आदमी देता है सबके बदले वोट, ठीक है ना। तो ये पद्धति है, ये आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि क्या निर्वाचन की विधि कौन सी है। अब आर्टिकल 56 देखते हैं, पदावधि कितनी होनी चाहिए। तो जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उस समय से 5 साल इनका टेन्योर होता है। जिस दिन से शपथ लेते हैं, जिस दिन से जीतते हैं उस दिन से नहीं, जिस दिन से ओथ लेते हैं, जिस दिन से शपथ लेते हैं उस दिन से इनका पदावधि जो है वो 5 साल का है। 57 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है। मतलब कि एक राष्ट्रपति अगली बार इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं, बिल्कुल लड़ सकता है। कितनी बार लड़ सकता है, ऐसा कोई संविधान में वर्णन नहीं है, तो वो चाहे तो कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा 57 में लिखा हुआ है। 58 में क्या है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो लोकसभा के पद के लिए जो क्राइटेरिया है वो उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन उम्र जो है वो 35 साल है। एक उम्र वाला फैक्टर अलग है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर होने के लिए उम्र 25 साल चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। तो उम्र का एक फैक्टर अलग है। इसके अलावा आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ है, शपथ। भारत का जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ये भी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग स्नैप भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्नैप भी ले सकते हैं। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आता है एग्जाम में कई बार, मैंने क्वेश्चन देखा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति को हटाने का बीच में क्या प्रावधान है भैया, तो एक ही प्रावधान है, वो है महाभियोग। और महाभियोग इस ऐसे नहीं लगाया जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, और राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी इसका प्रस्ताव आ सकता है महाभियोग का, लेकिन कम से कम 1/4 मेंबर का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए कि इतना लोग हम चाहते हैं महाभियोग लगाना, तभी वो प्रस्ताव आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी जाकर के आप राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया महाभियोग का बात। जो बाकी चीजें बच गई हैं, क्षमादान, संयुक्त अधिवेशन, अध्यादेश जारी, ये चीजें आगे जब हम पढ़ाएंगे शक्तियां तब बताएंगे, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने निर्वाचन किस तरीके से होता है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनके बारे में भी बता दिया मैंने, परिचय भी हो गया है। अब आगे देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को, तथा विविध में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति की नियुक्ति देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है वो बहुत बार पूछा गया है, और पूछा किस तरीके से जाएगा। निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनका जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी बहुत है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसी देश के राजदूत की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस तरीके से नियुक्ति में लिखा हुआ है, देख लीजिए तरफ से पीएम है, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे नहीं ये भी भूल जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। पीएम है देश का प्रधानमंत्री, प्रत्येक स्टेट का राज्यपाल,
सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राजदूत की तथा उच्च जो होते हैं उच्च आयोग जो दूसरे देशों में होते हैं हाई कमीशन होता है, कई देशों में हमारे एम्बेसी होते हैं, कई देशों में हाई कमीशन होता है, यूपी में हाई कमीशन है। तो इस तरीके से राजदूत या उच्च आयोग जो है दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उसकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। राजदूत की नियुक्ति भी, सॉरी राजदूत मैंने दो बार लिख दिया है, इसको आप नहीं कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और शक्तियाँ हैं, जैसे लोकसभा मैंने आपको पहले बताया, लोकसभा में दो लोगों की, दो आंगल एंग्लो इंडियन होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है ताकि अगर कभी आर्टिकल आपको पूछ दिया जाए तो मैंने ये भी आपको बता दिया है कि आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद जो है वो राज्यसभा में 12 विभिन्न क्षेत्रों के जो वशिष्ठ मतलब विशिष्ट लोग हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये आर्टिकल 80 में लिखा गया, ये भी मैंने ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी आर्टिकल बनते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं खासकर के राष्ट्रपति से। इसके बाद आर्टिकल 72 जो मैंने यहाँ लिखा था, ये मैंने इसलिए उसमें बताया नहीं था, आपको यहाँ बता देता हूँ। आर्टिकल 72 में जो है किसी को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड का दिया गया है उसको सजा, तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, उस मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये सारी शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसके अलावा 5 में एक सबसे बड़ी सज़ा होती है कोर्ट मार्शल की, इसके ये जो सज़ा है इसको भी माफ़ करने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये उसकी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की। इन सब के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ लिखा हुआ है, 352, 356, 360 तीन तरह की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, ठीक है। ये किस तरीके का आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है, अगर कभी राष्ट्रपति को लगता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है या किसी दूसरे देश से हमारे देश पर हमला हो गया है, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा है, 352। अब दूसरा क्या है, 356। ये आर्टिकल क्या है, कभी किसी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कहने का मतलब है कि सही से नहीं चल रही, या कभी इलेक्शन हुआ है, किसी भी पार्टी का सरकार वहाँ पे बनने की स्थिति नहीं है, उस केस में राज्यपाल के अनुमोदन पर या राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इसके अलावा तीसरा है 360। राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, बता देता हूँ। एक बार में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 महीने तक लग सकता है, 6 महीने तक लग सकता है, 6 महीने के बाद दोबारा से उसको 6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये बढ़ाने का क्रम है 6-6 महीने का, ये मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में कभी ऐसी छोटी चीज़ें आ जाती हैं फिर हो गया, ये तो बताया नहीं गया था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं ढंग से, तो ये चीज़ें हैं। एक बार में 6 महीने तक लगाया जा सकता है और एक कंटिन्यू 6-6 महीने का बढ़ाव बढ़ा के मैक्सिमम 3 साल तक किया जा सकता है, ठीक है। 360 एक आर्टिकल है, 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, कभी देश में इस तरह की ऐसी कोई फाइनेंशियल हेल्थ देश का गड़बड़ा जाता है, मतलब बहुत गरीबी आ जाए देश में, इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि उस समय जो राष्ट्रपति हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करते हैं, ठीक है। इसके जो डिटेल प्रोविजन है वो आपको बाद में कभी बताएंगे, उसमें ये होता है कि कॉस्ट कटिंग जैसे कंपनीज में होती है वो पूरे इंडिया में होगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को फर्क पड़ेगा, उनको सैलरी कम दिया जाएगा, मतलब इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन है जिसपे कि भारत रोक लगा और इस तरह से इंडिया का जो फाइनेंशियल हेल्थ सुधारा जाएगा। तो ये कुछ जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं ये मैंने आपको बताया। नियुक्ति याद कर लीजिएगा, इसमें हर एक बात महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर एक बात महत्वपूर्ण है, कि लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, इसलिए नहीं दे सकते हैं, यही मनोनीत करते हैं और यही फिर वोटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके राष्ट्रपति के फेवर में करने का पूरा पूरा संभावना है, ठीक है। ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं।
इन सब के अलावा यहाँ पे क्या है, 108 में एक आर्टिकल है संयुक्त अधिवेशन का है। इसमें कभी क्या होता है कि किसी भी प्रस्ताव पे अगर सहमति नहीं बन रही होती है उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसका फैसला करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रस्ताव का। इसलिए 108 में है। एक 123 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार मतलब क्या है, मान लीजिए कभी कोई सत्र नहीं चल रहा हो, कोई ऐसी इमरजेंसी टॉपिक पे अभी बुलाना है सभी लोगों को, उस केस में जो है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं। इसके अलावा अध्यादेश में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोई ऐसा कानून जिसको कि इमीडिएट लागू करना हो लेकिन अभी कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय टेम्प्रोरली रूप से एक अध्यादेश जारी करके कोई टेम्प्रोरी कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं, ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 143 है आर्टिकल, ये भी लिख देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी कभी राष्ट्रपति को कोई कानूनी परामर्श करना होता है, कोई कानूनी सलाह लेना होता है किसी भी मुद्दे पे, उस केस में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कानूनी सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 के आधार पर। अब इन सब के अलावा अभी भी कुछ चीज़ें बच गई हैं, बट कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको कि अगर कभी राष्ट्रपति देश में ना रहे या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तो उस केस में उपराष्ट्रपति जो है, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति का काम करते हैं। अगर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहें, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, और ऐसा प्रोविजन है कि उनको होना ही होना है। वो प्रोविजन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ना रहें तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं उनमें से जो वरिष्ठतम जज है वो उस समय राष्ट्रपति का काम करेगा। तो अब देखते हैं कुछ विविध, कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य राष्ट्रपति से संबंधित। अब देखते हैं कुछ विविध, कुछ मिसलेनियस चीजें राष्ट्रपति से संबंधित। हम लोग जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, उसी को मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिखा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति जो देश के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति थे, ये 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है। उसके बाद प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद की शपथ लिए वो कौन थे, एम हिदायतुल्ला थे जो राष्ट्रपति पद की शपथ लिए। कब से कब तक इन्होंने टेन्योर ले लिया देख लीजिएगा। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन थे। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, जो वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति बने, ये आप सबको पता है। सबसे हमारे प्यारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, उनमें से कुछ राष्ट्रपति का नाम है, डॉक्टर हुसैन जी की मृत्यु भी मतलब अपने टेन्योर में थे तभी हुई, फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु भी अपने कार्यकाल के दौरान हो गई। तो ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैं राष्ट्रपति के बारे में आपके सामने लेकर आया। तो इस तरह से सारा ये टॉपिक जो राष्ट्रपति का है वो पूरा कवर हो गया है। फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको फ़ायदा हो रहा है, आप लोग उससे कुछ सीख रहे हैं। साथ ही साथ
जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेप जोन, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। PREPZONE, जो दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर मेरे पेज का जो नाम है वो है BPSC Aspirants Zone करके पेज है, आप लोग वहाँ जा कर के पेज को फॉलो कर सकते हैं। एक फेसबुक पर ग्रुप है, उसका नाम है 66 BPSC। यहाँ की इस ग्रुप में आप लोग मेंबर बन सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF में डालता रहता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको उसका लिंक पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।